स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्टू वैक में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्टू वैक है और इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी के तहत आज का हमारा वीडियो होने वाला है गाइस, कि आप अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी नरेगा के जॉब कार्ड है या फिर आपके ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों के जॉब कार्ड है, आप उन जॉब कार्ड का नंबर और उन जॉब कार्ड किन किन लोगों के नागरिकों के नाम पर जॉब कार्ड है वो आप कैसे देख सकते हैं, यानी कि आप फाइनली अपने ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है वो न्यू है गाइस मनरेगा में, और या फिर मनरेगा में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड लिस्ट देख पाएँ। तो आप अपने ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड लिस्ट देख पाएंगे गाइस, इसके लिए आपको किसी भी आईडी पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाई स्टेप सारी डिटेल बताते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है गाइस, कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी जो है समझ में आ पाएगी। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है। और कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप नरेगा टाइप करके सर्च करेंगे। तो जैसे मैंने नरेगा टाइप कर लिया है, नरेगा टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। जब आप नरेगा टाइप करने के बाद सर्च करेंगे पोर्टल में, तो आपके सामने इस तरह की पहली वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आएगी। सिंपली आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर कर लेना है क्लिक। जब आप इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो नरेगा की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर जाएगी, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से ऑफिशियल साइट जो है वो नरेगा की शो होती है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद नरेगा की साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्विक एक्सेस वाला, यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप करेंगे क्लिक। तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको और दिखाई देंगे गाइस, तो आपको इस फर्स्ट वाले ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। तो हमने इस फर्स्ट में ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड में यहाँ पर एक जनरेट रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस जनरेट रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। और हाँ गाइस, ये डिटेल आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो भारत के, आप इसी प्रोसेस से जो है वो अपनी ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड लिस्ट देख पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। तो इसके बाद आपको पंचायत रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारे स्टेट की लिस्ट आपके सामने ओपन होकर जाएगी। आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर फाइनली यहां से सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में आप अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो भी आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट लगता है गाइस, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड नंबर पर आपको अपनी ब्लॉक, अपना ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है, आपका जो भी ब्लॉक लगता है गाइस, यहाँ से आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ब्लॉक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है गाइस, अपनी ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, फिर जिस भी आप ग्राम पंचायत का देखना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से आप अपनी जो है वो ग्राम पंचायत यहाँ से जो है वो सेलेक्ट आप कर लेंगे सिंपली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। तो चलिए मैं इतने डिटेल जो है वो फिल कर लेता हूँ और उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे की प्रोसेस में। फ्रेंड्स, जब आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। चूँकि हमें जॉब कार्ड धारियों की सूची देखना है, तो यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही आपको चौथा ऑप्शन दिखाई देगा, जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, यानी कि जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको कर लेना है सिंपली क्लिक। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी जॉब कार्ड धारी हैं या फिर जितने भी लोगों के जॉब कार्ड है, उनके नाम आपको यहाँ से फाइनली यहाँ से दिख जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से ये जो आपको शो हो रहा है गाइस, ये कुछ नंबरों का डिजिट का, ये है आपका पूरा डिटेल जॉब कार्ड नंबर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो नाम शो हो रहा है, ये है उस जॉब कार्ड धारी का नाम, यानी कि ये नाम और ये जॉब कार्ड नंबर गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नाम हो गया और ये जॉब कार्ड नंबर हो गया। तो आपके ग्राम पंचायत में इस तरह से जितने भी जॉब कार्ड धारी हैं गाइस, और जितने भी आपके ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड हैं, सारे जॉब कार्ड धारियों की सूची और नाम और जॉब कार्ड नंबर आपके सामने यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। और ये डेटा गाइस ग्राम पंचायत वाइज ओपन होता है। तो ये था गाइस पूरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को।